हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। NVS जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का एग्ज़ाम पहली शिफ्ट का आपका ओवर हो चुका है और कहीं ना कहीं मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट से बात करी, तो आज मैं आपके लिए एनालिसिस लाया हुआ हूं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपके किस तरीके के आपके क्वेश्चन जो हैं वो आपके पूछे गए थे, और कहीं ना कहीं इस एनालिसिस को करने के बाद मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अब जो आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं ऊपर ऊपर का पढ़ के पास हो जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं भी आपको GK के क्वेश्चन में बताऊँगा, कंप्यूटर के भी आपके क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी हैं, अकाउंट के भी हैं, ठीक है। इन सभी को जब आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का पैटर्न जो है वो बहुत चेंज कर दिया गया है, ठीक है। जितने भी ESIC के स्टूडेंट हैं वो ध्यान से इस पेपर पैटर्न को एक बार देख लें। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो GK में आपका लॉर्ड इरविन का पूछा गया था और उसमें पैराग्राफ दिया गया था, उसमें आपको भरना था, ठीक है। अब इसके बाद बायोलॉजी में क्या था कि सेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, पैराग्राफ था जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया था कि किस तरीके से आपका होगा। अब ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि पैराग्राफ वाइज आज आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पैटर्न जो है वो इन्होंने काफ़ी चेंज किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होते थे कि पैराग्राफ वगैरह नहीं, सिर्फ मल्टीपल के ही आपके GK में क्वेश्चन दिए होते थे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नोबल प्राइज़ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। आपकी जो करंट है वो 21-22 दोनों की आपकी आयु हुई थी, इनमें से आपका वीजा इशू आया था, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो वीजा इशू था नोवाक जोकोविच से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। करंट अफेयर आपका 2022 से पूछा गया था, बजट रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था, सेंसेक्स 2011 के बारे में पूछा गया था कि आपका इससे दो क्वेश्चन ये था कि 2011 पहले एग्रीकल्चर में कितने लोग टोटल इन्वॉल्व थे, ठीक है। फिर बजट एलोकेशन, मैंने आपको बार बार कहा था कि बजट एलोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बजट एलोकेशन से आपका रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। म्यूनसिपलिटी आर्टिकल से आपका पूछा गया था कि ये आर्टिकल का जो आपका अमेंडमेंट है वो आपका कब किया गया था और किस आर्टिकल से आपका ये संबंध रखता है, ठीक है। फिर आपका MP में आपकी कौन सी रिवर, 4 रिवर का नाम दिया गया था, इसमें पूछा गया था कौन सी रिवर MP में है, ठीक है। इस बार नागार्जुन टाइगर रिजर्व से आपका पूछा गया था, क्वेश्चन आपका आया हुआ था, हिल रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो है वो आपके GK में पूछे गए थे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हर टॉपिक से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका उठ के आया हुआ था, लेकिन लगभग आप ये मान लीजिए कि करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो आपका सबसे ज़्यादा था, और उसके बाद फिर आपका स्टैटिक GK का आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ठीक है। अगर हम इसके बाद अगर हम बात कर लें तो मैथ में, अगर हम बात करें तो मैथ में आपका DI का क्वेश्चन आया था, टाइम एंड डिस्टेंस का आया था, SI का आया था, अप्रोक्सीमेशन का, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम और परसेंटेज, आपके टोटल 6 टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन थे वो आपके मैथ में आपके आए थे, पुटअप हुए थे। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक हार्ड इन्होंने दिया था। हार्ड क्यों दिया था, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए 1 GB में कितने MB होते तो बहुत ईजी है, लेकिन 16 GB में कितने MB होंगे, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 16 GB में पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1024 का, तो हम MB निकालेंगे, तो कैलकुलेशन बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं पेपर इस तरीके से आपका कंप्यूटर का आया था। एक्सेल रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए थे, शॉर्टकट किस तरीके से होते हैं, जैसे कंट्रोल जैसे आपका क्या होता है, ठीक है, जस्टिफिकेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई थी। जॉयस्टिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन जो थे वो आपके आए थे, तो इस तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चन आए थे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक हार्ड उसमें आए थे, जिन्होंने जो कंप्यूटर यूज करते होंगे तो उनको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आती होंगी, एक्सेल वगैरह अगर जिनको आता होगा, अगर जिनको एक्सेल वगैरह नहीं आता होगा उनको कहीं ना कहीं कंप्यूटर में प्रॉब्लम फेस मिलेगी, ठीक है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग में आपका टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, एक आपका पजल का आया था जिसमें आपका सेंटर्स में लोग बैठे हुए थे, ठीक है, और उससे आपका रिलेटेड क्वेश्चन था, एक आपका डायरेक्शन से आया था, पैटर्न से आपके आए थे, कोडिंग डिकोडिंग से आए थे, तो ये 4 टॉपिक से लगभग सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन थे वो आपके आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पेपर पैटर्न था NVS का GSA का था, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ESIC में भी सेम आपको इसी तरीके से पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको अब और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ओके।